चैनल गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी होम रेमेडीज जस्ट फॉर योर एक्ने प्रॉन स्किन। अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है तो ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और अगर आपकी स्किन पर एक्ने अभी हो रहे हैं, बिकॉज समर टाइम गाइस आ चुका है और इस टाइम फेस के ऊपर थोड़े थोड़े एक्ने होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज के लिए मैं आपको तीन चीजें जरूर बता देती हूँ। पहली चीज की आप अपना वाटर इनटेक को बढ़ा दें, बिकॉज इस रीजन से भी बहुत ज्यादा एक्ने होता है। और अगर आपके फेस के ऊपर कोई किसी तरीके की धूल मिट्टी है तो सीटीएम रूटीन को जरूर फॉलो करें। सीटीएम मींस क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइज। तो समर टाइम है तो लाइट मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर ड्राई स्किन है तो आप कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट गाइज की ये जो एक्ने है फेस के ऊपर, ये आपके हार्मोनल चेंजेस के रीजन से भी हो सकते हैं या फिर इंटरनल कोई और रीजन भी हो सकता है। बट जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, उल्टा ही आपके फेस के ऊपर इफेक्टिव रहेगा तीनों ही रीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ हनी एंड ये आपके रेड पिंपल्स को श्रिंक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई फुल ऑफ 1 टेबल स्पून लेना है। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे कॉफी पाउडर बिकॉज इट्स अ नेचुरल स्क्रब। एंड उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे पिंच ऑफ ए टर्मरिक बिकॉज इट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी फॉर योर एक्ने प्रोन स्किन। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर विच इज अ वेरी मिरेकल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस फेस पैक। एंड उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन टी, और आप चाहो तो इसका पानी भी निकाल सकते हो, इसको बॉइल करके इसका पानी भी ले सकते हो। बट आई थिंक ग्रीन टी को इस तरीके से यूज करना, यू नो रॉ ग्रीन टी को इस तरीके से यूज करना ज्यादा इफेक्टिव होता है एक्ने प्रॉन स्किन के ऊपर। और दैट्स इट। और मैं इसको मिक्स कर दूंगी, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए गाइज, नॉट मच थिक नॉट मच, बहुत ज्यादा भी लिक्विडी नहीं होना चाहिए। और मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे अपने फेस के ऊपर लगा दूंगी। ग्रीन टी की जो पेटल्स है मैं कोशिश करूंगी वहां पर ज्यादा लगाऊंगी जहां पर मुझे थोड़े ज्यादा एक्ने हैं। जैसे आजकल मुझे हल्का हल्का फील हो रहा था कि मेरे फोरहेड पे थोड़े से एक्ने ज्यादा थे, सो दैट्स व्हाई मैं वहां पर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करूंगी। सो इसको लगाने के बाद मुझे फील हो रहा है काफी ज्यादा अच्छा मेरी स्किन के ऊपर। और मैं सिर्फ 5 to 10 मिनट्स इसका वेट करूंगी। अगर आप चाहो तो 5 मिनट्स के बाद इसे वॉश कर सकते हो, बट बेटर रिजल्ट के लिए आप 5 to 10 मिनट्स आप इसका वेट जरूर कीजिए। और इस तरीके से मैंने पूरे फेस के ऊपर इसे लगा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को वॉश करने। और अभी इसके रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो गाइज कितना स्मूथ लग रहा है मेरा फेस, पिंपल्स जो है वो श्रिंक हो गए हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ग्रीन टी जो है वो काफी हेल्थफुल रहती है। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एक्ने ब्रेकआउट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ रियली रियली वंडर ऑन माय स्किन। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एक्ने प्रोन स्किन। और प्लीज 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 इंक्रीज योर वाटर इनटेक इन अ डे, सो दैट्स व्हाई आपकी स्किन और ज्यादा ग्लोई हो आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस पैक। इस फेस पैक को आप कभी भी लगा सकते हो, दिन में या रात में कभी भी इसको अप्लाई करके आप यू नो 10 से 15 मिनट रख के अपने फेस को वॉश करोगे और सो मच इजी। आपको इससे पहले कोई भी अपने फेस को क्लेंज या स्क्रब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक माइल्ड फेस वॉश से आपको एक फेस वॉश करना है, अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन करना है और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो गाइज। सो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है आजकल के दिनों में। सो आई होप दैट ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो गाइज प्लीज डू कमेंट बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।